यूपी के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। कर्मचारियों को दिवाली बोनस देगी सरकार। जानिए किसको कितना मिला दिवाली गिफ्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दीपावली की सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की मौजूदा दर 34% को 1 जुलाई 2022 से बढ़ाकर 38% कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इसी ट्वीट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा, वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की वृद्धि की थी। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान इसी महीने यानी अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। इससे हर महीने राजकोष पर 296 करोड़ रुपए का व्यवभार आएगा। जुलाई से अक्टूबर तक के देयों का कुल व्यवभार 1184 करोड़ रुपए आएगा। इसके तहत पुराने पेंशन प्रणाली के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ में 387 करोड़ रुपए जमा होगा। शेष के लिए नकद 797 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। गौर हो कि केंद्र सरकार ने सितंबर के महीने में सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया था। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। अब सरकारी कर्मचारी का डीए 38% हो गया है। डीए सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सैलरी का हिस्सा होता है। इस बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से दिया जाएगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए एरियाज पेंडिंग है। सरकार ने देश में कोविड-19 महामारी प्रकोप के दौरान कर्मचारियों का 18 महीने डीए रोक दिया था। अब राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद राज्य कर्मियों और शिक्षकों का डीए जुलाई 2022 से उनके मूल वेतन का 38% हो जाएगा। डीए और डीआर वृद्धि का लाभ अक्टूबर के वेतन व पेंशन के साथ दिया जाएगा। डीए डीआर वृद्धि से सरकार पर हर महीने 296 करोड़ रुपए का भार आएगा। जुलाई से अक्टूबर तक के देयों का कुल तत्कालिक व्यवहार 1104 करोड़ आ रहा है। इनमें से पुरानी पेंशन से आच्छादित कर्मचारियों से संबंधित धनराशि 387 करोड़ रुपए उनके जीपीएफ खाते में जाएगी। डीए डीआर के भुगतान पर सरकार कुल नकद व्यवहार 797 करोड़ रुपए आ रहा है। करीब 10 लाख कर्मचारी 8 लाख शिक्षकों के साथ ही 12 लाख पेंशनरों को डीए डीआर वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।